चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए जलता जा कोई गाए जाए जलता जा कि गर्मी है मैं तो कहता हूँ अंदर ही चले जाते हैं अंदर कौन सा एसी चल रहा है महमूद साहब यार एक बात मेरी समझ में नहीं आई के एसी वालों ने हमारी बिजली क्यों काटी है लगता उन्हें बुलबुले पसंद नहीं है क्यों नहीं काटेंगे बिजली महमूद साहब 30,000 रुपए का बिल आया था जो भरा नहीं क्या हाँ जी 30,000 रुपए का बिल आया तुमने अभी तक भरा ही नहीं है खूबसूरत मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से कि तुम बहुत गैर जिम्मेदार होती जा रही हो ओह प्लीज महमूद साहब एक तो पहले ही मेरे पापा पैसे नहीं भेज रहे ऊपर से आप मुझे बातें सुना रहे हैं अरे भाई तो और किसे सुनाऊं हद होती है लापरवाही की ये कौन सा तरीका है और ये 30,000 रुपए का बिल आया कैसे कैसे नहीं आता माँ जी सारे घर की लाइटें ऑन करके छोड़ देती हैं, इस्त्री ऑन करके बंद करना भूल जाती हैं, दिन रात टीवी चलता है इस घर में और तो और 24 घंटे आपका एसी तो चलता रहता है वो एसी सिर्फ मेरे कमरे का नहीं चलता तुम्हारे कमरे का भी तो चलता है तो बिजली का बिल भी तो मैं ही देती हूँ ना आप नहीं अरे मुझे मत सुनाओ मेरे कमरे में एसी तुम्हारी सास की वजह से चलता है मेरी वजह से नहीं अरे मैं तो ऐसे भी कंबल ओढ़ के सो जाता हूँ तुम ये बिल अपनी सास की वजह से पे करती हो समझी इस बार तो मैंने बिल पे करवा दिया महमूद साहब आइंदा नहीं करवाऊंगी तुमने बिल पे करवा दिया जी हाँ तो फिर अभी तक लाइट क्यों नहीं आई मुझे क्या पता मैंने तो नबील को 30,000 रुपए देकर भेज दिया था लेकिन खूबसूरत ये तुम्हारे पास 30,000 रुपए आए कहाँ से बुरे वक्तों के लिए रखे थे महमूद साहब चलो बुरे वक्त में काम आ गए मेरा ख्याल है लाइट आ गई टीवी ऑन हो गया अब टीवी बंद कर दीजिएगा अरे तुम भी तो अपने कमरे का पहले एसी बंद करो लाइट तो आ गई है नबील क्यों नहीं आया जानू आ गए तुम हाँ जानू मैं आ गया लाइट भी आ गई है हाँ गई ठीक है जानू बाहर बहुत गर्मी है मैं जरा अंदर एसी खोल के लेटता हूँ एसी नहीं चलेगा नबील क्यों जानू लाइट तो आ गई है तो तुम क्या चाहते हो दोबारा लाइट कट जाए नहीं जानू नबील ये हर वक्त एसी चलने से ही बिल इस दफा 30,000 का आया है पापा पहले ही पैसे नहीं भेजते और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि बार बार 30,000 के बिल दूं जानू अब 30,000 के बिल नहीं आएंगे मैंने सब इंतजाम कर लिया है क्या हाँ जानू अब हमें सिर्फ और सिर्फ 5,000 का बिल हर महीने जमा कराना होगा तुमने रिश्वत दी है नबील नहीं नहीं जानू बिल्कुल नहीं तौबा करो इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी फिर तुमने क्या किया मैंने ना बिल की इंस्टॉलमेंट्स करा ली क्या हाँ क्या जरूरत थी जब मैंने 30,000 रुपए दे दिए थे जानू मैंने सोचा आजकल वैसी तंगी चल रही है और ऊपर से तुम्हारे पापा जी जो हैं वो पैसे नहीं भेज रहे क्यों सारे पैसे खर्च करूं हाँ ये भी ठीक है चलो बाकी के पैसे दो बाकी के कौन से पैसे जानू अरे तुमने 5,000 रुपए जमा कराए ना बाकी के 25,000 तो दो खूबसूरत क्या हो गया तुम्हें जानू क्या तुम अंधी हो गई हो तुम्हें मेरे हाथों में ये शॉपिंग बैग नजर नहीं आ रहे खुदा का वास्ता है नबील अब ये मत कहना कि तुमने 25,000 रुपए की शॉपिंग कर ली है नहीं जानू मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैंने 3-4 लोगों का उधार भी चुकाया क्या हाँ जानू मैं रमजान में लोगों की गालियाँ नहीं सुन सकता अब तो तुम खुश हो ना जानू मुझसे शट अप नबील ओके जानू चलो मैं तो खुश हूं ना मैं तो खुश हूं अच्छी शॉपिंग हो गई यार मोमो मोमो यार नबील तुम्हारी माँ नहीं मिल रही यार मुझे क्या पता मैं हूँ साहब अरे उसे फोन कर रहा हूँ वो फोन भी नहीं उठा रही तो मैं क्या करूँ वो आपकी बीवी है आप उनकी टेंशन लें मुझे अपनी बीवी की पहले थोड़ी टेंशन है हैं क्यों क्या हुआ खूबसूरत को कुछ नहीं उसे कुछ नहीं हुआ तुम्हें ये टेंशन है और यार मैं मुंह सब चुप करें यार बंदा इस घर में 2 मिनट भी सुकून के साथ नहीं बैठ सकता ओ, ओ। ए, मोमो फोन क्यों नहीं उठा रही हो अपना फोन उठा
उठा ले। अम्मा जी ये मेरा नहीं आपका फोन है। हैं मेरा फोन तेरे पास कहाँ से आया? अरे आपके पर्स में है फोन। तेरा फोन मेरे पर्स में? अरे नहीं नहीं आपका फोन आपके पर्स में। हाँ तो मेरा फोन मेरे ही पर्स में होगा, तेरे पर्स में तो नहीं होगा ना। अम्मा जी उठा ले, पहले तू तौल तो ले। अरे अम्मा अपना फोन उठा ले। हाय मेरा फोन गिर गया। अरे अम्मा एक तो रोजे में वैसे ही दिमाग की दही बन रही है और ना बनाओ। ये ले पैसे जल्दी से, फ्रूट दे मुझे, घर जाके मुझे बिरयानी भी बनानी है। ये तू रो क्यों रहा है? मैं कहाँ रो रहा हूँ, जो आपके साथ बाजी आई है ये रो रही है। तू मेरे साथ आई है? मेरा नाम शनाज है बाजी। मैं तेरी बाजी हूँ? रो नहीं तो और क्या करूँ, मैं गुम हो गई हूँ बहन। बहन? मेरी बहन? हाय मेरी बहन, तू गुम हो गई थी, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चल घर। अम्मा ये आपकी बहन है? हाय तुझे भी पता है, चल मेरी बहन मेरे साथ घर चल तू। ओ अम्मा पहले अपना सामान तो उठा लो, मुझे और भी काम है। ला मेरे अमरूद दे जल्दी। अरे अमरूद कहाँ से दूँ, मैं तो यहाँ पर ये आम और अंगूर बेच रहा हूँ। चल दफा हो, मैं तो घर से अमरूद लेने आई थी, पैसे निकाल मेरे। ले लो अम्मा, माफ करो। चल मेरी बहन। पागल औरते। वालेकुम अस्सलाम। अरे मोमो कहाँ रह गई थी तुम, मैं कब से तुम्हें फोन कर रहा था। मैं अपनी बहन को ढूंढने गई थी ना। बहन को? ये रही। हाय अल्लाह जी, फिर गायब हो गई है, गुम हो गई है, देखती हूँ। नहीं नहीं इधर ही है, आ जा आ जा आ जा आ जा। ये कहाँ से ले आई हो? फल वाले के ठेले से। आजकल फल वाले ये सामान बेच रहे हैं? चुप, ये मेरी बहन है। अरे मोमो तुम्हारी कोई बहन नहीं है यार। आपको नहीं पता कुतुबुद्दीन ऐबक, जब मैं छोटी थी ना तो ये मेरे से भी छोटी थी। 5 साल पहले मैं अमरूद वाले से ना अमरूद ले रही थी तो ये खो गई थी। आज मैं जब आम वाले के ठेले पे खड़ी थी ना आम लेने के लिए तो ये वहां खड़ी थी। मैंने इसको देखा तो इसने देख के मुझे पहचान लिया। अरे बस करो यार, ये गुंगी है क्या? हाँ जी मेरे भी पूरे रोजे जा रहे हैं, कल मेरा पहला रोजा होगा। है बाजी ये मुंडा कौन है? ये मेरे भनोई है, मेरे बहना। अरे मोमो ये तो तुम अपने जैसी बहन उठा के ले आई हो, यकनाशुद दोशुद। भाई जान आपको पता है मैं बाजी से 10 साल छोटी हूँ। मोमो है ना मजे की मेरी बहन, बुलाए हफीज को, मैं उसकी फूफी से उसको मिलवाती हूँ। मेरा ख्याल है तुम नबील को खुद ही बुला लो, मैं उसे इतना बड़ा शौक नहीं दे सकता। आप खुद ही बुला के मिलवाए उसे, मैं बाहर लॉन में बैठा हूँ, अफतारी मुझे बाहर लॉन में ही दे दीजिएगा। जैसे आप ठीक समझे बाजी। गुलफाम है, गुलफाम है। क्या हुआ माँ जी? देख पुत्र कौन है। ओ माँ जी हमें किसी आया वाया की जरूरत नहीं है। चुप, ये तेरी फूफी है। कौन फूफो माँ जी? मेरी बहन और कौन? आपकी बहन मेरी खाला हुई माँ जी। तूने पहचान लिया पर मैंने नहीं पहचाना। सॉरी मेरी बहन, सॉरी। बाजी बड़ा प्यारा है, इसकी शादी हो गई है। ओ माँ जी आपकी बहन कहाँ से आ गई? दरवाजे से पुत्र। माँ जी खूबसूरत हम सबको घर से निकाल देगी ना। क्यों निकाल देगी है? ओ माँ जी ये आपकी बहन कैसे हो सकती है यार? जो तुझे यकीन नहीं आता ना तो इसे खुद पूछ ले। आप माँ जी की बहन है? हाँ मैं परसों घर से निकली थी ना, वो लोग मुझे बड़ा मारते थे। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप इनकी बहन है? नहीं नहीं खाने को भी कुछ नहीं देते थे। ओ माँ जी कोई आया है क्या नबील? नहीं जानू, लेकिन तुम बाहर मत जाना। क्यों? जानू मेरे ख्याल में तुम्हें आराम करना चाहिए, बहुत दिन हो गए तुम दोपहर में सोई नहीं हो। मुझे नहीं सोना यार, मुझे बाहर जाना है। नहीं खूबसूरत मैं नहीं चाहता कि तुम भरी जवानी में हार्ट अटैक से मर जाओ। मैं क्यों मरूंगी? जानू तुम आराम नहीं करोगी, हर वक्त काम करोगी तो क्या होगा, बीमार होगी और मर जाओगी। शट अप नबील, हटो मुझे अफतारी बनानी है। जानू मैं आज अफतारी बाहर से ले आऊंगा। उसके पैसे भी तो मुझी से लोगे ना। जानू प्रॉमिस बिल्कुल नहीं मांगूंगा, तुमसे एक आना नहीं मांगूंगा, मजे से ले आऊंगा, लेकिन तुम बाहर मत जाना। हटो नबी जानू। माँ जी ये नबील को क्या हो गया? ये अब कौन है माँ जी? ला तुझे नहीं पता, ये मेरी बहन है पिशवास। क्या? हाँ बचपन में गुम हो गई थी ना, अब जाके मिली है, आज से ये हमारे साथ ही रहेगी। क्यों मनाज? हाँ बाजी मैं ना बड़ी अच्छी मछली बनाती हूँ बकरे के गोश्त की। क्या नबील ये तूने अपना क्या हो लिया बनाया, मेरी बहन है।
बाजी आपको मेरा ये सूट पसंद आया? मैंने लालू के से लिया था बुध वाले दिन। यार ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई है? मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा नबील, मुझसे तो तुम्हारी माँ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, अब इस साली को कैसे बर्दाश्त करूँ? मैं पागल हो जाऊंगी नबील। नहीं जानू, मैं तुम्हें इस तरह नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा जानू। शट अप नबील, मैं इस पागलपन के माहौल में नहीं रह सकती। यार नबील, ये अचानक से तुम्हारी खाला कहाँ से आ गई? मुझे क्या पता महमूद साहब, माँ जी कह रही थी कि ये बचपन में गुम हो गई थी। माँ जी बचपन में गुम हो गई थी? और नहीं यार, माँ जी नहीं उनकी ये बहन। तो तुमने कभी इन्हें देखा नहीं? यार मैं माँ जी के बचपन में कहाँ था महमूद साहब? मुझे क्या पता तुम कहाँ थे नबील, क्या तुम भी गुम हो गए थे? और ना करें यार महमूद साहब, जाएं और जाके माँ जी से पूछें किसे उठा लाई है यार। ठीक है यार, पूछता हूँ। नबील मैं तो पापा से भी नाराज होके बैठी हूँ, उनके पास भी नहीं जा सकती। जानू तुम फिक्र मत करो, महमूद साहब गए हैं ना कुछ जरूर करके आएंगे। डार्लिंग, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। मुझे पता है कि आप मुझसे क्या बात करने आए हैं। क्या बात? क्या, मैं आपको बहुत अच्छी लगती हूँ। लाहौल वाला कुवता, अरे आप मुझे क्यों अच्छी लगेंगी भाई? हाँ हाँ, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। कैसी बातें कर रही हो तुम, क्या तुम्हारा रोजा नहीं है? आप मुझसे शादी करना चाहते हैं? अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा क्या? इसके लिए ना आपको बाजी से बात करनी पड़ेगी। ओ मैं तुम्हारी बाजी का शौहर हूँ। हाँ हाँ, मान जाएंगी वो। बहुत ही बेशरम औरत हो तुम भाई। अरे डरे मत ना, मैं बाजी को संभाल लूंगी। अरे मैं शादीशुदा हूँ, मेरी माँ। अगर आपकी बीवी मर गई है तो इसमें आपका क्या कसूर है? मैं ना आपको बीवियों वाला प्यार दूं। नबील, नबील। लगता है मान गए। नबील, नबील। क्या हुआ महमूद साहब? नबील मेरी इज्जत खतरे में है। क्या वो औरत आपको गालियां दे रही महमूद साहब? वो औरत शक्ल से गालियां देने वाली लगती है। अरे वो मेरे पीछे पड़ गई है। महमूद साहब वो कितना ही पीछे क्यों ना पड़े, लेकिन आपने गालियां नहीं देनी। अरे तुम लोग सबके सब उस जैसे हो गए हो क्या? मैं पूछ कुछ रहा हूँ, जवाब कुछ दे रहे हो। क्या मतलब? नबील मुझे यकीन हो गया है कि वो तुम्हारी माँ ही की बहन है। क्या? चलो जानू, मेरे ख्याल में तुम अपने पापा को फोन कर ही लो, हम दोनों लाहौर चलते हैं यार। अरे मुझे भी साथ लेके जाओ, मैं इन दोनों खपती औरतों के साथ नहीं रह सकता। महमूद साहब आपने मेरी माँ को खपती कहा? नहीं, मैंने अपनी बीवी और अपनी साली को खपती कहा है। ठीक है। आप यहाँ खड़े हुए, मैं तो पूरे घर में आपको ढूंढ रही थी। कहाँ फंस गया यार, भाई सौरत ने तो मुझे धुड़ा धुड़ा के पागल कर दिया रोजे में। या अल्लाह, अरे मोमो अब तुम तो मत खेलो ना मुझसे यार, इधर इधर बैठो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है यार। तुम? आपने मुझे पहचान लिया? अरे तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो यार? आप मेरी बाजी से इतना डरते क्यों हैं? अरे मैं तुम्हारी बाजी से नहीं, तुमसे डर रहा हूँ। नहीं नहीं, भाग के क्यों शादी करेंगे? हमने प्यार किया, कुछ चोरी नहीं किए, सबके सामने करेंगे। अरे माँ तू कोई बात सही क्यों नहीं सुन रही, क्या लिख के दूं तुझे? आप रोए मत, मुझे यकीन है कि आप मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपका नाम क्या है? आपको नाम बता दिया तो कौन सा याद रह जाएगा आपको? मोमो, मोमो। बाजी को पता चल गया। आप तो चुप करें ना मोमो। जानू एसी चलाने तो बड़ी गर्मी। बिल्कुल नहीं। यार ये माँ जी को क्या हुआ? बेचारी गिर गई है, शायद इससे रो रही है, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो जानू, गिरने से पहले रो रही थी वो। शायद उनको पता था कि वो गिरने वाली है। मैं नहीं गिरी हूँ, वो गिरे इस्माइल। कौन इस्माइल गिर गए हैं माँ जी? मेरे मियाँ। माँ जी उनका नाम महमूद है। माँ जी महमूद साहब कहाँ गिर गए? लॉन में। मैं जाके उठाता हूँ महमूद साहब को जानू। क्या वो सो रहे हैं? तुम लोगों को कोई बात समझ क्यों नहीं आती? ओए वो वैसे नहीं गिरे, मेरी नजरों से गिर गए। ऐसा क्या कर दिया महमूद साहब ने माँ जी? वो मेरी बहन के साथ वो चला रहे। वो क्या? वही जो अक्सर बुढ़े इस उम्र में चलाते साइकिल। महमूद
महमूद साहब के पास साइकिल कहाँ से आई? किराए पे ले आए होंगे। वो साइकिल नहीं चला रहे, वो चला रहे। वो क्या माँ जी? वो जो गोल गोल होते हैं। गोल गोल क्या होते हैं माँ जी? तरबूज? आए तरबूज नहीं वो। ओ नबील मुझे चक्कर आ रहे हैं यार। हाँ चक्कर चक्कर, वो मेरी बहन के साथ चक्कर चला रहे। क्या? मैंने खुद अपनी आंखों से, इन हसीन आंखों से उनको लॉन में हाथ पकड़ के बैठे देखा। यार हमने महमूद साहब को किस काम के लिए भेजा था और वो किस काम लग गए जाके? यार नबील, महमूद साहब को रोजे में इतनी सी शर्म नहीं आई? माँ जी आप फिक्र मत करें, मैं आपकी आंख से गिरे एक एक आंसू का बदला लूंगा महमूद साहब। महमूद साहब आज आपने घटियापन की इंतहा कर दी है। मैंने क्या किया है नबील? अरे महमूद साहब आपने मेरी माँ के साथ बेवफाई की है। साली आधे घरवाली होती है और आप पूरे घरवाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नबील मेरी बात सुनो यार, वो औरत खामखा मेरे पीछे पड़ गई है। अरे आप में कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? या आप मुंह से आग निकालते हैं, पेट पे रख के नेजा टेढ़ा कर देते हैं, क्या करते हैं आप? नबील वो औरत कोई बात सही तरह से सुनती नहीं है, मैं उसे कुछ और बोलता हूँ तो वो कुछ और समझती है। और आपने उस औरत की बीमारी का फायदा उठाया, चिशोर है आदमी। यार मैं सोने की कसम खा के कह सकता हूँ कि मैंने कोई गलत हरकत नहीं की है, वो औरत ही गलत है। क्या? हाँ लेकिन नबील मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी माँ की बहन है। फिर कौन है? कोई ठग है नबील, जो हम सबको बेवकूफ बना रही है। वो जो हम सबको बना रही है वो बेवकूफ है? हाँ जी। अच्छा जी, है किधर? अंदर। आए मेरे साथ चलो। तू मेरे मियाँ को मुझसे छीनना चाहती है चिचोरी औरत? एक बार बात करके देखे ना बाजी, आप दिल के वो बुरे नहीं है। ओ कमीनी, वो मेरा मियाँ है और मैं तेरा रिश्ता लेके उसके सामने चली जाऊँ? हैं बाजी मुझे कोई इतराज नहीं है, उम्र में वो मुझसे बड़े हैं मगर दिल उनका बहुत जवान है। मैंने बहुत बड़ी वो की थी जो मैं तुझे इधर लेकर आई। हाय तो गुम हो गई थी तो गुम ही रहती, दफा मार, मैंने बहुत बड़ा वो किया है। हाँ बाजी मैं भी यही चाहती हूँ कि हम दोनों बहने ना एक ही घर में रहे। मैं तुझे दो मिनट भी इस घर में नहीं रखूंगी, अब निकल इधर से डैन। नहीं बाजी धूमधाम से नहीं, सादगी में निकाह पढ़ा दे, सिर्फ दो जोड़ों में। अकील रसील जल्दी आए, निकाले बाहर इस औरत को इधर से। अरे इसको तो मैं निकालूंगा, मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़काती है तू, चलो निकलो यहाँ से। मैं बाप की शादी नहीं करूंगी। अरे मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है अगर आप जिद करते तो कोर्ट मैरिज कर लेते। अरे चल निकल, हफ्तारी आज बाहर करेंगे। हाँ थाने में, चल निकल। चले चले मैं इसको पकड़ो। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे इस औरत को घर से निकाल रहे हैं। शर्म नहीं आती एक पागल पे सुन करते हुए? अरे तुम कौन हो भाई? अरे हम पागल खाने से आए इन्हें लेने के लिए। अरे महमूद साहब शक्ल से पागल लगते हैं, है नहीं? अरे मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये पागल हैं। क्या? हाँ दो दिन से लापता थी, बड़ी मुश्किलों से मिली हैं। आपको किसने बताया कि ये यहाँ हैं? बाहर एक फल वाला मिला था, उसने कहा सारे पागल इसी घर में रहते हैं। चलो भाई चलो, इनको गाड़ी बैठाओ, चलो जल्दी करो। मैं पागल हूँ। लेके जा इनको, लेके जा, लेके जा। चलो भाई तुम भी गाड़ी में बैठो। अरे लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। अरे सारे पागल यही कहते हैं, चल बैठ गाड़ी में। मोमो खबरदार, जो मेरे वो को किसी ने वो करने की वो की हो तो है। ओहो तुम तो सभी पागल हो, ए गाड़ी अंदर ही ले आ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। और बबल फुलाए चलता जा, कोई